कर्नाटक में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान जिस तरह सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, वो सवाल उठाता है कि चुनाव में जीत के लिए क्या प्रधानमंत्री को इतना रिस्क लेना चाहिए। पीएम मोदी मैसूर में रोड शो कर रहे थे और अचानक किसी ने पीएम की गाड़ी पर मोबाइल फेंक दिया। पीएम मोदी की गाड़ी पर कुछ फेंका गया तो एसपीजी के होश उड़ गए, लेकिन बाद में पता चला कि मोबाइल फेंकने वाला तो बीजेपी का कार्यकर्ता था। कर्नाटक में एडीजीपी आलोक कुमार ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा, पीएम मोदी की गाड़ी पर मोबाइल फेंकने वाले के इरादे बुरे नहीं थे और उत्साह में उसने मोबाइल फेंक दिया। पीएम एसपीजी की सुरक्षा में थे, फोन का ताल्लुक एक बीजेपी कार्यकर्ता से है, हमने व्यक्ति को तलाश लिया है और एसपीजी ने उसका मोबाइल लौटा दिया है। तो पुलिस का कहना है कि उत्साह में बीजेपी कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की गाड़ी पर मोबाइल फेंक दिया। अगर ऐसा है तो गजब अनभक्ति है कि फूल बरसाने और मोबाइल फेंकने में कोई अंतर समझ नहीं आता। लेकिन ये मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चेताने का भी काम करता है।